हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी वस्तुनिष्ठ भाग 13 के बारे में। आप जानते हैं कि अगर हम भाग 13 के बारे में बात करें तो 12 तक तो कंप्लीट हो चुके हैं, और आप इन हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप देखेंगे कि आपके जो यूपी आरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूपी आरओ का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2024 में फरवरी माह में है, तो उससे उस एग्ज़ाम्स के लिए यह जो हिंदू वस्तुनिष्ठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे आप लोग नोट्स बनाते रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें, सुनते रहें, समझते रहें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हिंदी वस्तुनिष्ठ भाग 13 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि अधर्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका अधर्म का पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है आपका अधम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डन कर लीजिए, अधर्म का पर्यायवाची शब्द। अधर्म का क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। ठीक है, अनाचार, अपकर्म, अन्याय। और पर्यायवाची शब्द आप लोग नोट डाउन करिए, क्योंकि यूपी आरओ में 10 प्रश्न पर्यायवाची से आएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि यूपी आरओ में हिंदी के 6 ही चैप्टर पढ़ने हैं, और 6 चैप्टर को हम लोग एक साथ में पढ़ रहे हैं, और इसमें हर एक चैप्टर से वहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं, और उससे आप लोग नोट्स बनाते रहे हैं, और आप देखते रहें कि किस प्रकार से यहाँ पर व्याख्याएँ की जा रही हैं, और हर एक चैप्टर का आप लोग नोट्स बनाइए। ठीक है, अनाचार हो गया, अपकर्म हो गया, अन्याय हो गया, जुल्म हो गया, फिर उसके बाद पाप हो गया, और अनीति हो गई। ठीक है, और यहाँ पर अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो यूपी आरओ के 6 चैप्टर हैं हिंदी के, उसमें से 4 चैप्टर में आप लोग 100% दीजिए। ठीक है, जिसमें आप लोग के तद्भव आ गए, फिर पर्यायवाची आ गया, विलोम आ गया, और अनेकार्थों से एक शब्द आ गया। तो इन 4 चैप्टर में आप लोग एकदम तैयारी करिए बढ़िया से, और चैनल से जुड़ जाएँ तो आप लोगों का तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो वहाँ पर इन 4 चैप्टरों में 100% देना है, बाकी बचते हैं शुद्धि अशुद्धि और विशेष विशेषण, और उसमें आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 15 से 16 प्रश्न उसमें भी आप लोग एकदम कन्फर्म सही सही करके आएंगे, तो जिससे आप लोगों का 55 प्रश्न के बीच में आप लोगों का प्रश्न सही हो जाते हैं, तो निश्चित ही आप लोगों का यूपी आरओ का जो एग्ज़ाम्स का प्रीलिम्स सेक्शन है वो आप लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहें और एकदम चैनल से जुड़ जाएँ, और एकदम तैयारी को सुदृढ़ता से लेकर चलें, और हर एक चैप्टर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, और उसको समझने का प्रयास कीजिए किस प्रकार से चीज़ें हिंदी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अधम का जो पर्यायवाची होगा, खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन हो गया, कुटिल, धूर्त, शठ, ये सारे जो हैं आपके अधम के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अभिजात शब्द का पर्याय है, यानी कि अभिजात का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो कौन सा है? श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर अभिजात शब्द का जो पर्यायवाची है वो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो अभिजात का जो यहाँ पर पर्याय होगा, पर्यायवाची होगा, वो श्रेष्ठ होगा। तो अभिजात के अन्य पर्यायवाची आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अभिजात के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो श्रेष्ठ हो गया एक, आप लोग नोट डाउन करिए, श्रेष्ठ, कुलीन हो जाएगा, फिर आर्य, संभ्रांत, फिर योग्य। इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों का नोट्स बनेगा। तो फिर इसके बाद विशिष्ट, तो ये आपके अभिजात वर्ग हैं, और बाकी महीप, नरपति, नृप जो है आपका, ये राजा के पर्यायवाची हैं। तो राजा के पर्यायवाची कौन से हो गए? महीप हो गया, नरपति हो गया,
नृप और भूपाल। इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, इस तरह से आप लोग पर्यायवाची शब्द देखिए, और पर्यायवाची आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे 10 प्रश्न आएंगे, आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अचल का पर्याय नहीं है, अचल का पर्यायवाची शब्द नहीं है निम्न में से कौन? वो आपका मेदिनी, और मेदिनी जो पर्यायवाची होता है वो आपका पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मेदिनी, मेदिनी पर्यायवाची है पृथ्वी का, और बाकी जो पर्याय हैं आपके अचल का पर्याय हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए, अचल पर्वत, भूधर, नग, गिरी, तुंग, पहाड़, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। फिर उसके बाद शैल, अडिग, अटल, अविचल, ये सारे आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर, अद्रि, अद्रि। ठीक है, तो ये सारी जो पर्यायवाची शब्द हैं आपके पर्वत के हैं, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में विशेष शब्द है, क्या पूछा जा रहा है? विशेष कौन सा है? पाठक है, अनासक्त है, अनुशंसित है, अपमान है। तो इसमें जो विशेष शब्द है वो आपका यानी कि अपमान है, और इसका जो विशेषण होता है वो आपका अपमानित होता है, अपमान, ये आपका क्या हो गया? विशेष हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देते हैं कि विशेष और विशेषण कॉलम बनाकर, जिससे आप लोगों का नोट्स जो है बेहतरीन तरीके से बनेगा। यहाँ पर पहले लिखते हैं विशेष और यहाँ पर विशेषण, बाकी तीन इसमें विशेषण हैं। ठीक है, तो अब लिखिए विशेष में अपमान और ये हो जाएगा आपका अपमानित। ठीक है, यानी कि बाकी तीन क्या हो गए? विशेषण हो गए। तो अनुशंसित क्या है? अनुशंसित ये आपका विशेषण है, तो यहाँ पर जो अनुशंसित का होगा अनुशंसा, अनुशंसा क्या होगा? अनुशंसा होगा। और फिर इसके बाद अनासक्त क्या विशेषण है? अनासक्त। तो अनासक्त का जो विशेष होगा अनाशक्ति होगा, अनाशक्ति। ठीक है, और पाठक जो है आपका विशेषण है, तो पाठक का जो विशेष होगा पाठकीय होगा, पाठकीय होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए और अपने नोट्स को बेहतरीन बनाइए, क्योंकि विशेष विशेषण में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसमें आप लोग एकदम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग अभ्यस्त हो जाएंगे, तो 10 प्रश्न में से तो 6-7 प्रश्न आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में विशेषण शब्द है, विशेषण छाटना है, निम्न में कौन सा विशेषण है? एक विशेषण है यानी कि बाकी तीन जो हैं विशेष हैं। तो इसमें देखिए आकाश है, आराधना है, आश्रित है, अग्नि है। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि आश्रित जो है आपका विशेषण है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष से लिख कर आप लोग कॉलम बनाकर यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। विशेषण हो गया एक तरफ और एक तरफ विशेष। ठीक है, तो विशेषण है, एक विशेषण यानी कि तीन जो हैं आपके इसमें विशेष हैं। तो आश्रित जो है आपका विशेषण है, आश्रित जो विशेषण है, इसका जो विशेष होगा वो होगा आश्रय, आश्रय होगा। और फिर इसके बाद अग्नि, अग्नि आपका विशेष है। ठीक है,
आपका विशेष है, तो इसका जो विशेषण होगा आग्नेय होगा, आग्नेय। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे तो आप लोगों का जो नोट से बेहतरीन तरीके से बनेगा। फिर उसके बाद आराधना, आराधना, आराधना एक विशेष है, तो इसका जो विशेषण होगा आराध्य होगा, आराध्य। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। आकाश जिस तरह से विशेष है, आकाश ये विशेष है, तो इसका जो विशेषण होगा आकाशीय होगा, इसका जो विशेषण होगा आकाशीय होगा। तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करिए और नोट्स बनाते रहिए, विशेष विशेषण आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अरुण की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द है। ठीक है, तो अगर एक वाक्य दे देता है और उसमें पूछ देता है कि विशेष पूछ देगा, विशेषण पूछ देगा, और कोई उस वाक्य में से कोई शब्द उठाकर पूछ देगा कि यह वाक्य में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अरुण की पुस्तक पुरानी में पुस्तक शब्द जो है वह क्या है। विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। तो सबसे पहले तो इन सभी के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो हम शुरुआत से करते हैं कि सर्व संज्ञा क्या होता है, कि किसी वस्तु नाम स्थान का बोध कराता हो तो उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद सर्वनाम क्या आता है, सर्वनाम जो है संज्ञा के जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। फिर उसके बाद क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताते हो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे कि संज्ञा पद की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाएगा, संज्ञा पद विशेष हो जाएगा, लेकिन हर एक संज्ञा जो है विशेष्य नहीं होता है। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अरुण को हम विशेष्य नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अरुण जो है यहाँ पर क्या होंगे, संज्ञा शब्द में आएंगे। ठीक है, अरुण जो हो गए यहाँ पर संज्ञा हो गए, और पुरानी जो है इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, विशेषण हो गया, और जो पुस्तक शब्द है ये आपका विशेष्य होगा, क्योंकि पुस्तक के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि पुरानी है। ठीक है, तो पुस्तक क्या हो जाएगा, विशेष्य शब्द हो जाएगा। एकदम आसान वाक्य है, और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक बड़ा वाक्य दे देगा और उसमें पूछ देगा कि कितने विशेष्य हैं और कितने विशेषण शब्द हैं। इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं, और इस तरह से प्रश्नों को हल करना आप लोग सीखना चाहिए। आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में सूर्य का तद्भव शब्द है। सूर्य का तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा है, सूरज है, दिवाकर है, दिनकर है, प्रभाकर है। अब देखेंगे कि ये चारों जो हैं आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन हर एक पर्यायवाची जो है तद्भव नहीं हो सकता। सूर्य का जो तद्भव होगा आपका सूरज शब्द होगा। तो इस प्रकार के तद्भव तत्सम में भी पूछा जा सकता है। और तद्भव तत्सम आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शुद्ध रूप माने जाते हैं, और तद्भव शब्द जो हैं संस्कृत के विकार रूप माने जाते हैं, या बदले हुए या परिवर्तित रूप माने जाते हैं। तो इस प्रकार से भी पर्यायवाची शब्द देकर भी उसमें तद्भव पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोग हल करिए, सॉल्व करिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में तत्सम तद्भव का सही युग्म है। इसका तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है, पर्यंक का परख है, क्षीर का खीर है, अक्ष का आँख है, पृष्ठ का पन्ना है। तो तत्सम तद्भव मैंने आपको बताया कि तत्सम संस्कृत का शुद्ध रूप, और तद्भव जो है आपके विकार रूप या बदले हुए रूप या परिवर्तित रूप माने जाते हैं। तो आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए कि कौन किसके के तद्भव तत्सम है, और ये पृष्ठ का पन्ना होता है, और पृष्ठ का पीठ भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी नोट डाउन कर लीजिएगा, पृष्ठ का पन्ना जो है यह आपका तद्भव तत्सम की तत्सम तद्भव की दृष्टि से सबसे शुद्ध युग्म है। ठीक है, और पहले हम तत्सम शब्द लिखते हैं, फिर उसके बाद तद्भव शब्द लिखते हैं। और अक्ष का आँख दिया है, जबकि अक्षी का आँख होता है, अक्षी, अक्षी का आँख होगा। क्षीर है, ये आपका क्षीर होता है, क्षत्रिय छ होता है, क्षीर का खीर होगा। पर्यंक का परख नहीं होता है, पर्यंक का पलंग होता है। ठीक है, पर्यंक का पलंग
आपका तद्भव होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग तत्सम तद्भव के रूप लिखिए और तत्सम तद्भव आप लोगों को एकदम 100% करके आने हैं और सही सही होने चाहिए। चलिए आप लोग नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नव्य का तद्भव रूप है। ठीक है, नव्य का तद्भव रूप है, नया है, नूतन है, नवल है, नवीन है। और आप देखेंगे कि ये चारों शब्द जो हैं आपके नव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें से आप लोगों को तद्भव बताना है। मैंने कहा कि हर एक पर्यायवाची शब्द तद्भव शब्द नहीं हो सकता। ठीक है, तो नव्य का जो तद्भव होगा आपका नया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रश्न करिए, सॉल्व करिए तद्भव तत्सम के, क्योंकि इस तरह से प्रश्न कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। तो आप लोगों को अभ्यस्त होना पड़ेगा इस तरह के प्रश्न करने के लिए। तो आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जो जुड़ा या मिला न हो, जो जुड़ा या मिला न हो के लिए एक शब्द है। ठीक है, चंपू, असंहत, संभूत, अनुभूत। ठीक है, तो जो जुड़ा या मिला न हो के लिए असंहत जो शब्द है वो आपका एक वाक्य है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए और आप देखिए कि चंपू का जो क्या होता है, चंपू का जो होता है गद्य और पद्य का मिश्रित, गद्य पद्य मिश्रित वाक्य, गद्य पद्य मिश्रित वाक्य के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो आपका चंपू है। फिर उसके बाद संभूत, संभूत क्या होगा, एक साथ उत्पन्न होने वाले। ठीक है, संभूत होगा एक साथ उत्पन्न होने वाले, उत्पन्न होने वाले। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद अनुभूत की अगर हम बात करें, अनुभूत, अनुभूत क्या होता है, जिसका अनुभव किया गया हो। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया है, किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के आप लोग अनेक शब्दों से एक शब्द जो बनते हैं उसको आप लोग नोट डाउन करिए और अपनी नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक वाक्य दे देगा और वहाँ पर एक शब्द दे देगा और एक चार वाक्य दे देंगे, तो उसमें पूछा जाएगा कि इसके लिए कौन सा सही वाक्य हो सकता है। ठीक है, तो अब उपकृत के लिए क्या हो सकता है, जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। तो इसमें आप देखेंगे कि जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है उपकृत शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं और यहाँ पर चार शब्द देकर चारों के वाक्य दे देंगे और उसमें पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा गलत है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं एक अन्य अर्थों से एक शब्द। तो इस तरह से प्रश्न भी आप लोग सॉल्व करिए, हल करिए और एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आप लोगों का यूपी आरओआरओ 2024 का जो एग्ज़ाम है, जो प्रीलिम्स है, वो एकदम क्वालिफाई जो है सुनिश्चित हो सके। तो आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले व्यक्ति के लिए जो एक शब्द है वो है आपका कृतार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए, कृतार्थ का तो शब्द हो गया अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कृतज्ञ का, कृतज्ञ। और इस तरह के शब्दों को आप लोग नोट डाउन करिए। कृतज्ञ क्या होता है, आप देखेंगे कि किए हुए उपकार को मानने वाला। ठीक है, कृतज्ञ होता है किए हुए उपकार को मानने वाला, मानने वाला। ठीक है, फिर उसके बाद आभारी, आभारी क्या होता है, आभारी आभार मानने वाला, आभार मानने वाला। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए। फिर काली सूची,
काली सूची क्या होता है? देखिए कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची, ठीक है, नियम विरुद्ध असामाजिक सामाजिक कार्य करने वाले की सूची, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अनेकार्थ शब्दों के लिए एक शब्दों को नोट डाउन करिए और नोट्स बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध वाक्य है, ठीक है, कौन सा वाक्य है? शुद्ध वाक्य निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो शुद्धि अशुद्धि आप लोग एकदम ध्यान से किया करिए और सावधानीपूर्वक एकदम प्रश्नों को पढ़िए और फिर से के ऑप्शन को पढ़िए, तो उसके बाद एकदम आंसर दीजिए एकदम सोच समझकर, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि में आप देखेंगे कि छोटी से छोटी चीज़ों को भी वाक्य में डालकर अशुद्धि बनाई जा सकती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सेक्शन का। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा सा गलत कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और इस तरह के प्रश्न हल करते रहेंगे तो आप लोगों अभ्यस्त हो जाएंगे, तो वहाँ पर चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य देखना है, तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्थित शब्द का भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, ये आपका वाक्य हो जाएगा अशुद्ध, यानी कि विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। फिर पुलिस ने चोरी के शक में रोहन को पकड़ लिया, ठीक है, अगर यहाँ पर गिरफ्तार शब्द होता तो यहाँ पर गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि सिर्फ शक ही है, तो इसलिए यहाँ पर पकड़ लिया शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यह वाक्य जो है आपका शुद्ध है। अब देखिए तीसरे वाक्य में कि इंदिरा गांधी के मृत्यु पर भारत में दुख छा गया, तो यहाँ पर दुख शब्द का प्रयोग नहीं होगा, दुख के स्थान पर आप देखेंगे कि यहाँ पर शोक शब्द का प्रयोग होगा, और इसलिए यह वाक्य जो है आपका अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी के मृत्यु पर भारत में शोक छा गया, इस प्रकार से यह शब्द वाक्य बनेगा, ठीक है। तुलसी और सूर ब्रजभाषा और अवधि, ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर इसी तरह से ब्रजभाषा अवधि या के श्रेष्ठ कवि है, इस तरह से आप लोगों का एकदम आप पढ़ेंगे तो ये आप लोगों का एकदम गलत शब्द तो लगे, वाक्य तो लगेगा ही। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या इसमें अशुद्धियाँ हैं, कि तुलसी और सूर जो हैं यहाँ पर क्रमशः शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि दो कवियों का नाम दिया गया है तो इसीलिए इन कवियों के नाम के बाद क्रमशः शब्द का प्रयोग होगा, ब्रजभाषा अवधि ब्रजभाषा और यहाँ पर और शब्द का प्रयोग होगा, और शब्द का, ठीक है। तो यानी कि तुलसी और शूर क्रमशः ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अशुद्धि भी लिखते जाइए और अपने नोट्स को एकदम बेहतरीन तरीके से बनाइए और अशुद्धि भी लिखे रहेंगे तो आप लोग अगर उसको रिवाइज करेंगे तो आप लोगों का जो एकदम नॉलेज है एकदम बढ़ेगा और वहाँ पर आप लोगों को पता रहेगा किस प्रकार से अशुद्धियाँ छाटी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में अशुद्ध वाक्य है। अभी हमने पिछले प्रश्न में शुद्ध वाक्य को देखा था, अब इसमें अशुद्ध वाक्य को देखना है कि घड़ी में कितना बजा है, दर्शकों से अनुरोध है, मुझे संतोष हो रहा है, वे चुप हो गए। तो इतने चार वाक्यों में अशुद्धि छाटनी है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि बाकी तीन वाक्य होंगे वो आपके शुद्ध होंगे। तो पहले ही वाक्य में आप देखिए कि घड़ी में कितना बजा है, तो यहाँ पर कितना बजा है की जगह पर कि क्या होगा, कितने बजे हैं, कितने बजे हैं शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग होगा। तो इस तरह से बनेगा कि घड़ी में कितने बजे हैं, ये आपका वाक्य शुद्ध है। और बाकी तीन वाक्य आप देखेंगे कि दर्शकों से अनुरोध है, मुझे असंतोष हो रहा है
और फिर उसके बाद ये चुप हो गए। ये तीनों वाक्य जो हैं आपके व्याकरण की दृष्टि से आपके शुद्ध हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध वाक्य है क्या, शुद्ध वाक्य निम्न में कौन सा है, ठीक है। तो शुद्धि अशुद्धि आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक करिए, सावधानी पूर्वक करिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा, ठीक है। अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा, मेरा प्राण संकट में है, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने मुस्कुरा दिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि उन्होंने मुस्कुरा दिए, तो यहाँ पर उन्होंने एक शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन दिए जो होता है वो आपका बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने की जगह वहाँ पर वे शब्द का प्रयोग होगा कि वे मुस्कुरा दिए, तो वे आपका बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए कि पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर सौंदर्यता शब्द का नहीं प्रयोग होगा, यहाँ पर सौंदर्य शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। सौंदर्य, सौंदर्य शब्द का प्रयोग होगा कि पद्मावती अपनी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, मेरा प्राण संकट में है, यानी कि यहाँ पर मेरा शब्द का प्रयोग नहीं होगा, मेरे शब्द का प्रयोग होगा, मेरे प्राण संकट में है, इस प्रकार से यह वाक्य बनेगा। और बाकी तीन अशुद्ध है, तो यानी कि एक ही शुद्ध होगा। तो अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा, यह वाक्य जो है आप लोगों का बिल्कुल शुद्ध है। तो आप लोग इस तरह से शुद्धि अशुद्धि लिखते रहें और नोट्स का नोट डाउन करते रहें, अपनी नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अपसरण का विलोम शब्द है किसका, अपसरण का, अपसरण का जो विलोम शब्द है आप लोगों को बताना है, प्रतिघात, अपकार, अभिसरण या अवैतनिक। तो अभिसरण जो है आपका अपसरण का विलोम है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अपसरण, अभिसरण विलोम शब्द हो गए, अभिसरण, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिघात का विलोम होगा, प्रतिघात का जो विलोम होगा देखेंगे कि घात होगा, यानी कि घात का जो विलोम है आपका प्रतिघात होगा, ठीक है। इस तरह से नोट डाउन करिए। अपकार जो है आप देखेंगे कि उपकार का जो विलोम होता है अपकार होता है, उपकार का जो विलोम होगा अपकार होगा, ठीक है। तो इस तरह से नोट डाउन करते रहेंगे तो आपका विलोम शब्द भी तैयार होता चला जाएगा, अपकार। इस तरह सब नोट डाउन करिए। अवैतनिक है तो वैतनिक का जो विलोम होता है वैतनिक, वैतनिक का जो विलोम होता है अवैतनिक होगा, अवैतनिक, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग विलोम शब्द नोट डाउन करिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि धृष्ट का विपरीतार्थक शब्द, धृष्ट, धृष्ट का विपरीतार्थक शब्द जो होता है आपका विनीत है, अधैर्य है, तृप्त है, आभ्यंतर है। तो विनीत शब्द जो है आपका धृष्ट का विपरीतार्थक है, ठीक है, यानी कि विलोम शब्द है धृष्ट का, विनीत, ठीक है। और अधैर्य जो है धैर्य का विलोम है, धैर्य का जो विलोम शब्द है अधैर्य है, ठीक है। और तृप्त का जो विलोम शब्द होगा, देखिए तृप्त का जो विलोम शब्द होगा अतृप्त होगा, अतृप्त होगा। आभ्यंतर का जो विलोम होगा, आभ्यंतर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अंदर होता है, भीतर होता है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा बाह्य होगा, ठीक है, बाह्य होगा। तो इस तरह से आप लोग विलोम शब्दों को नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रत्यय का विलोम शब्द है किसका, प्रत्यय का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है, परोक्ष है, उपसर्ग है, कुरूप है, उपार्जित है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आप लोग नोट डाउन करिए। तो प्रत्यय का विलोम जो होता है आपका उपसर्ग होता है, और प्रत्यय को वि प्रत्यय भी बोला जा सकता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, दोनों वक्त दोनों शब्द नोट डाउन करिए, प्रत्यय का उपसर्ग और वि प्रत्यय, वि प्रत्यय हो गया। और फिर उसके बाद परोक्ष का जो होगा,
परोक्ष जो है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम होगा परोक्ष होगा, और प्रत्यक्ष का जो विलोम है अप्रत्यक्ष भी होता है, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कुरूप का सुंदर का जो विलोम होगा, सुंदर, सुंदर का जो विलोम होगा आपका कुरूप होगा, कुरूप होगा। उपार्जित का जो विलोम होता है, आप देखेंगे कि उपार्जित का जो विलोम होता है वो होता है अनुपार्जित, ठीक है। उपार्जित का विलोम जो है, उपार्जित का अनुपार्जित, ठीक है, अनुपार्जित, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोग नोट डाउन करिए, और विलोम शब्द आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, 10 प्रश्न आएंगे। और चार सेक्शन तो यूपी आर ओ आर ओ के आप लोग, चार हिंदी के जो चैप्टर है, 6 चैप्टर है, चार तो आप लोग एकदम टारगेट बना लीजिए कि 100% देना ही देना है। और दो चैप्टरों में अगर आप लोग 70-80% भी दे देंगे, 50% भी अगर उसमें दे देते हैं, तो आप लोगों के 50% एकदम निश्चित ही सही हो जाएंगे। तो आप लोगों का यूपी आर ओ आर ओ का जो प्रीलिम्स है वो आप लोगों का पूरी तरह से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से लेकर चलिए, सुदृढ़ता के साथ लेकर चलिए, सही दिशा निर्देशन और सही तरीके, अच्छे तरीके से लेकर चलिए। और पढ़ाई को कभी भी आप लोग उस तरह से नज़रअंदाज मत करिए, उसको एकदम सीरियस लेकर चलेंगे, तभी आप लोगों का जो सिलेक्शन है बहुत ही जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स बनाते रहें, और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, और इन हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आप जो मत देखेंगे वो आपके यूपी आर ओ आर ओ एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा, हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पसंद आते होंगे, और आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप लोग भ्रष्टाचार, करप्शन और फिर इसके बाद बहकावे में और भुलवावे में और कहीं में मत आइए, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हिंदी के इसी तरह से अन्य शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।